उधर अखिलेश सरकार के मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। आजम खान फरमाते हैं कि बनारस में पीएम का मेगा रोड शो अखिलेश के रोड शो के सामने कुछ था ही नहीं। कारनामा डिक्शनरी उठा के देखो, कारनामे के मतलब देखो, अच्छे कामों का बखान। अब मोदी जी की डिग्री तो प्रमाणित है नहीं, पढ़ी लिखी बात करना मुश्किल है। कारनामे का मतलब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें यही है कि वो अच्छे काम, एक नहीं अनेक अच्छे काम, उसका बखान, इसे कहते हैं कारनामा। अब तक मोदी जी पर लोग फूल फेंकते थे, मगर अब क्या करें, हाय बदनसीबी, खुद मोदी जी फूल फेंक रहे हैं, कोई फूल नहीं। एक सीट भी बनारस में बीजेपी नहीं जीती, पूरी सरकार पड़ी है बनारस में। ये लगता है जैसे भारत का कैपिटल बनारस है। एक हफ्ते से मोदी जी पड़े हैं जैसे नुक्कड़ का कोई नेता होता है, मगर किसी भी सीट पे जमानत बच जाए तो भी फर्क पड़ेगा। बीएमसी चुनाव से पहले बिछड़े दोस्तों को चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से मिला दिया है। बीएमसी का मेयर 84 सीटें जीतने वाले शिवसेना का ही होगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया। 82 सीटें जीतने वाली बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम विपक्ष में नहीं बैठेंगे, शिवसेना का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, हम महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उपमहापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्टैंडिंग कमिटी में हमारी पद्धति के अनुसार परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेटर्स, इस पर नियुक्तियां होती है, उसमें बीजेपी के 10 लोग जाएंगे, शिवसेना के भी 10 लोग जाएंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। हम पारदर्शिता के पहरेदार, इस रूप में हमारे नगर सेवक महानगर पालिका में काम करेंगे। जो मुंबई के हित के प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से शिवसेना को मदद करेगी, विपक्ष के नेता पर हम क्लेम नहीं करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें आप देखते रहे आज तक।